हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एयर होस्टेस केबिन क्रू जॉब्स के एलिजिबिलिटी के बारे में, उनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में और उनके जॉब प्रोफाइल्स और पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। माई सेल्फ अंजलि तोमर, HR मैनेजर एट एयर क्रूज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। एयर हॉस्टेस, आज वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स एक केबिन क्रू के जॉब्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। एम्प्लॉयज का काम पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट को इंश्योर करना होता है फ्लाइट्स के दौरान। एलिजिबिलिटी, आपके पास 10+2 का पास सर्टिफिकेट या फिर एक ग्रेजुएशन डिग्री जो कि होटल मैनेजमेंट या फिर टूरिज्म में होनी चाहिए। आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए और आपकी हाइट एटलीस्ट 154.5 से लेकर के 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ डिग्रीज जो कि इस करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है BSc इन एविएशन, BBA इन ट्रैवल मैनेजमेंट, BSc इन एयरलाइंस। फोटो गाइडलाइंस, आप अपनी एक फुल लेंथ फॉर्मल फोटो अपलोड कीजिए, साथ ही एक आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटो और दो स्मार्ट या फिर सोफिस्टिकेटेड फोटोज जो कि एक महीने के अंदर ही ली गई हो। आप कुछ गाइडलाइंस का हमेशा ध्यान रखिए, जैसे फर्स्ट, प्रोफेशनल ग्रूमिंग। आपका मेकअप विजिबल होना चाहिए, आपके हेयर प्रोफेशनली एक बन में ग्रूम्ड होने चाहिए, आपके हेयर नीट और टाइडी होने चाहिए। बिजनेस अटायर, आपको एक क्लोज फिटेड जैकेट पहनना चाहिए और नी लेंथ स्कर्ट और साथ में हाई हील्स जो कि क्लोज टूड हो या फिर एंकल स्टेप्स वाली ना हो। स्किन कलर स्टॉकिंग्स, स्कार्व्स नहीं होने चाहिए और ज्वेलरी अवॉइड कीजिए, कोई ग्लासेस या फिर कलर कॉन्टेक्ट लेंसेस नहीं पहने होना चाहिए। आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि फोटो में आप एक नेचुरल हैप्पी स्माइल कीजिए, आपकी पिक फुल लेंथ होनी चाहिए जो कि आपके हेड से लेकर के शूज तक विजिबल हो, आपके हैंड्स स्ट्रेट होने चाहिए और आपके दोनों लेग्स टुगेदर होने चाहिए, आप स्ट्रेट खड़े रहिए, आपको कैमरा को डायरेक्टली फेस करना चाहिए और शार्प एंड इन फोकस होना चाहिए। इंटरव्यू ड्रेस कोड फीमेल्स के लिए केबिन क्रू में, फर्स्ट, आपके हेयर स्टाइल नीट और टाइडी होनी चाहिए, आप सॉफ्ट सबटल और अनफ्रीजी मेकअप करना चाहिए, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट, प्लेन ब्लाउज, जैकेट या फिर ब्लेजर जैसा आप कुछ पहनिए, ज्यादा ज्वेलरी अवॉइड कीजिए, डार्क या फिर नेचुरल कलर के टाइट्स पहनिए, डार्क लो हील शूज पहनिए। कुछ चीजें जो कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिला सकती है इंटरव्यू में वो है ग्लासेस, कॉर्पोरेट कलर्स पहनना, फ्रेश ब्रेथ और पॉलिश शूज। कुछ चीजें जिनका ध्यान ना रखने पर आप पॉइंट्स लूज भी कर सकते हैं वो है बॉडी पियरिंग्स, स्टेन्स, स्पोर्ट शूज, बेड ब्रेथ या फिर टैटूज।
पर्सनालिटी ट्रेट्स। आपकी पर्सनालिटी एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस वाली होनी चाहिए। आपके अंदर फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए एडवर्स कंडीशंस में भी वर्क करने का। आपकी पर्सनालिटी फ्रेंडली होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल। एक एयर होस्टेस का काम होता है पैसेंजर्स को वेलकम करना, उन्हें सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स से इंट्रोडक्शन देना, उनको फूड्स और ड्रिंक्स टाइमली प्रोवाइड कराना और स्पेशली सारे पैसेंजर्स को अटेंड करना क्रिटिकल सिचुएशन में, पर्टिकुलरली तब जब फ्लाइट्स रफ वेदर कंडीशंस को फेस कर रही हों। रिम्यूनरेशन। यहाँ पर सैलरीज कैबिन क्रू को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। सूटेबिलिटी। एयरलाइंस मैनेजर्स उन लोगों के लिए देखते हैं जो कि एक कैबिन क्रू के रोल को बहुत अच्छी तरह से फुलफिल कर सके। इसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे टेक्निकल नॉलेज होना, मैच्योरिटी होना, अडैप्टेबिलिटी होना क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं, जजमेंट होना, ग्रूमिंग, एटीट्यूड, फीलिंग, एम्पैथेटिक होना, सिंसियर और डेडिकेटेड होना, एक अच्छा लिसनर और कम्युनिकेटर होना, पेशेंस और नॉलेज होना। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होना चाहिए। टीम स्पिरिट होना चाहिए, आप क्विक डिसीजन ले सकें, आपकी पर्सनालिटी कंपोज्ड और अटेंटिव होनी चाहिए और आपको सारे कस्टमर्स को अच्छे से गाइड करते आना चाहिए। कंक्लूजन। हमने आज सीखा कि एक कैबिन क्रू क्या होता है, उनके काम क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज या फिर पर्सनालिटी टाइप्स क्या होती है जो कि उन्हें रिक्वायर्ड होंगी इस जॉब प्रोफाइल के लिए, और साथ ही किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तब जब हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हों। थैंक यू।